गुरुग्राम पुलिस ने डीएलएफ के फेस टू के एक बैंक हेड कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो कि कमीशन के आधार पर काले पैसों को सफेद करने में जुटा हुआ था। डीएलएफ इलाके की एचडीएफसी बैंक का ये कर्मचारी कई लोगों का काला धन सफेद कर चुका है। फिलहाल पुलिस को इसकी तलाश है, ताकि पता लग सके कि कितनी करेंसी की अदला बदली का ये खेल कर चुका है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने सिविल लाइन थाना एरिया के संजय ग्राम से 10 लाख की पुरानी करेंसी बरामद की थी। इस दौरान 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इस बारे में पूछताछ कर आयकर विभाग के हवाले कर दिया था, जिनसे पूछताछ में जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। दरअसल ये लोग एचडीएफसी की एक ब्रांच से कमीशन के आधार पर नए नोटों को बदलवाने का खेल खेल रहे थे। 3 लड़कों से 10 लाख की पुरानी करेंसी पकड़ी थी, जिसकी जांच में पाया कि एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी से मिली भगत करके रकम बदलवाने का काम करते थे। इस बारे में बैंक कर्मचारी व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें दो लोग हैं इसमें, मतलब बैंक के कितने कर्मचारी? बैंक का एक कर्मचारी। कौन सा बैंक है वो? ये एचडीएफसी बैंक है। कोई इसका पता चल पाया है ये कहाँ पर है? नहीं, अभी तफ्तीश में पता चलेगा ये कहाँ पर है।